दोस्तों याद रहे यूट्यूब हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि यूट्यूब के मुंह पे तमाचा लग सके। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जहां बसता है सिर्फ अंधकार, एक ऐसी ठंडी जगह जहां किसी भी तरह का जीवन बसना तो दूर की बात, पल भर के लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता, जिसका न कोई अंत है और न ही कोई शुरुआत, जिसमें बसते हैं अनगिनत ग्रह, आकाश गंगाएं और न जाने कितने ब्रह्मांड जिसके बारे में हम कभी नहीं जान सकते। आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये आकाश गंगाएं, ग्रह, पिंड और बाकी चीजें कैसे बनी, ये कोई नहीं जानता और शायद कोई कभी जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस दुनिया ने अपने आप को ऐसे ही रचा है और अगर कोई ऐसे ही इसके रहस्य समझने और जानने लगेगा तो भगवान ही बन जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन हम मनुष्यों ने जब से होश संभाला है तब से हम इस ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश करते आए हैं, जो आज भी चालू है। एक सवाल है कि हमें किसने, क्यों और कैसे बनाया। इस रहस्य को जानने के लिए न जाने कितने अनगिनत सदियों से मनुष्य जाति लगी पड़ी है, पर दुनिया अपने गर्भ में बसे इन रहस्यों को कभी उजागर नहीं होने देगी, और अगर कुछ रहस्य रहस्य ही रहें तो शायद इसी में मनुष्य मात्र का भला होगा। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि मनुष्य आज इतनी अनगिनत सदियों के अंतरिक्ष के ऊपर गहन अध्ययन करने के बाद इतनी ज्यादा जानकारी जान चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन फिर भी आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष में इतनी तरक्की करने के बाद भी जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी मनुष्य अभी तक इस रहस्यमयी, ठंडे, अनंत काल तक बसने वाले सन्नाटे भरे अंतरिक्ष के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5% ही जान पाया है। आज धरती पर ऐसा कोई भी जीव मौजूद नहीं है जो इसकी इतनी विशालता का अंदाजा भी लगा पाए। आखिर ये अंतरिक्ष इतना बड़ा, इतना विशाल कैसे है, और ये आखिर मौजूद है तो है कहाँ? क्या अंतरिक्ष का कोई अंतिम छोर या दरवाजा है जहां हमारा ये अंतरिक्ष खत्म होता हो? और जब अंतरिक्ष इतना बड़ा और अनंत काल तक फैला हुआ है, जिसमें हमारे सौर मंडल जैसे अनगिनत सौर मंडल मौजूद हैं, तो क्या हमारी तरह इसमें कहीं और भी जीवन है क्या? कोई और जीव भी है क्या हमारे जैसा? क्योंकि ये तो नामुमकिन ही लगता है कि इतने अनगिनत खरबों की संख्या में मौजूद सौर मंडल में सिर्फ हमारी धरती पे ही जीवन हो। हम मनुष्य धरती पे मौजूद हैं और ये एक सोलर सिस्टम में सूर्य ग्रह के चारों तरफ घूम रही है, और इसके अलावा इस अंतरिक्ष में मौजूद सभी ग्रह घूमते हैं और अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तभी एक सोलर सिस्टम बनता है, और ऐसे कई अनगिनत सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, क्या हम मनुष्यों की कोई औकात इस ब्रह्मांड में है भी? और क्या अगर इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड से पृथ्वी का एक पूरा सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाए तो शायद ही इस ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़े। दोस्तों, ये वीडियो हमने काफी मेहनत से बनाया है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को जब अंतरिक्ष में एक ऐसा रहस्यमय ग्रह मिला है जिसने अंतरिक्ष की सारी परिभाषाएं तोड़ दी हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अंतरिक्ष में कुछ भी संभव हो सकता है जिसकी शायद आप कभी कल्पना में भी कल्पना नहीं कर सकते। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक रहस्यमय खोज ने नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें दूर अंतरिक्ष में एक रहस्यमय ग्रह मिला है जो शायद आने वाले सदियों में हमारी धरती और आकाश गंगा के खात्मे का कारण बन सकता है। यह अनाथ ग्रह हमारे सौर मंडल के जुपिटर ग्रह से भी कई सैकड़ों गुना बड़ा है। चलिए आपको हम इस अनाथ ग्रह की विशालता का एक उदाहरण देते हैं। जुपिटर ग्रह हमारे सौर मंडल का अभी तक का सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारे पृथ्वी के मुकाबले 11 गुना बड़ा है, यानी उसमें हमारी 11 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं, और इसी बात से अब आप इस अनाथ ग्रह का अनुमान लगा सकते हैं जो जुपिटर से भी कई सैकड़ों गुना बड़ा है। इसका नाम वैज्ञानिकों ने CFBDSIR 2149043 रखा है, और यह बहुत ही खतरनाक ग्रह बनकर हमारे सामने उभरा है। आखिर हम इसे अनाथ और खतरनाक ग्रह क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं, और हमें आखिर इससे क्यों डरना चाहिए। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हर ग्रह अपने सौर मंडल के सूर्य के चक्कर काटता है, जिसके कारण वो ग्रह अपने और उसके गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखता है, और वो ग्रह अपने सौर मंडल में एक निश्चित पथ पर चलता रहता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और एक दूसरे ग्रह से टकराते नहीं हैं, और आप सौर मंडल के अंदर ही रहते हुए उसमें एक पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन ये रहस्यमय ग्रह अपने सौर मंडल से अलग हो चुका है और अंतरिक्ष में ऐसे ही चक्कर काट रहा है। कोई नहीं जानता कि ये कौन से सौर मंडल का ग्रह है। हो सकता है कि अनाथ ग्रह अपने सौर मंडल को भी खत्म कर चुका हो और अपने रास्ते में आने वाले हर ग्रह और सौर मंडल को यह खत्म करता चला जाए। अब जरा सोचकर देखिए कि यह ग्रह कितना ज्यादा खतरनाक है। यह अनाथ ग्रह अभी तक का ढूंढा हुआ सबसे पास का ग्रह है, जो हमारी धरती या कहें कि हमारे सौर मंडल से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। वैज्ञानिकों को यह डर सता रहा है कि अगर ये अभी तक किसी ग्रह को खत्म कर चुका होगा तो इसमें बेहद ज्यादा न्यूक्लियर फिक्शन के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी हो गई होगी
जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस अनाथ ग्रह का मास हमारे जुपिटर ग्रह से 13 गुना ज्यादा है, जो इतना खतरनाक है कि अगर हमारे सौर मंडल से टकरा जाए तो हमारे सौर मंडल को तो खत्म करेगा ही, साथ में और भी कई सारी सौर मंडलों के विनाश का कारण बनेगा। और इससे इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी कि एक बार को तो इस ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स दूर तक इसके कंपन महसूस की जाएगी और आसपास के कई सारे सौर मंडलों के ग्रह इस ताकत से अपने पथ को छोड़ देंगे और इसी तरह ही वो भी अनाथ हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रह ज्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 90 मिलियन साल पुराना है। अगर ये ग्रह यूं ही आगे बढ़ता रहा और किसी ग्रह या सौर मंडल से न भी टकराए, फिर भी उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा जिससे कई सौर मंडलों में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकते हैं, जैसे कई ग्रहों के दिन लंबे या छोटे हो सकते हैं। चलिए सोचकर देखते हैं, अगर आने वाले सदियों में ये ग्रह हमारे सौर मंडल में आया तो क्या होगा। सबसे पहले हमारे सारे ग्रह अपना पथ छोड़कर एक दूसरे से टकरा जाएंगे और फिर हमारा सूर्य, जो एक जलता हुआ हाइड्रोजन बम है, वो फटेगा और इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसके कल्पना करना भी असंभव है। फिर सदियों तक धूल से भरा हुआ हमारा अंतरिक्ष धीरे धीरे छटने लगेगा और एक समय सब अंतरिक्ष में मिलकर गायब हो जाएंगे और बचेगा तो सिर्फ सर्द माहौल और अनंत काल तक अंधेरा और एक लंबा, बेहद लंबा इंतजार जिसको शायद हम गिन भी नहीं सकते। और अगर ये ब्रह्मांड अनंत और अमर है तो फिर उसी अंतरिक्ष में मिली हुई धूल से बनेंगे हमारे ग्रह और फिर से एक नया सौर मंडल, जो बिल्कुल हमारे पहले के सौर मंडल से अलग होगा और शायद अब पृथ्वी जैसा कोई ग्रह इसमें हो ही नहीं और जीवन की कल्पना करना नामुमकिन हो, या फिर बसेगी एक नई एलियन सभ्यता। खैर, जैसा कि हमने बताया था कि इस दुनिया को अपने रहस्य छुपाना अच्छी तरह से आता है और मनुष्य हर रहस्य जान ही लेगा तो भगवान ही बन जाएगा, इसलिए अगर कुछ रहस्य रहस्य ही रहें तो शायद इसमें ही मानव जाति की भलाई है। दोस्तों, याद रहे ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाया और पूरी उम्मीद है कि ये टिकटॉक के कंटेंट के सामने नहीं टिकेगा। अगर आप में से किसी को भी ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। डार्क मैटर। यदि मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स के टोटल मास में से 85% मैटर किस फॉर्म में मौजूद है, इस बात की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझाई जा सकी है, तो शायद आपके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सच है। हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंस में है ये कोई नहीं जानता। डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से न तो इंटरैक्ट करता है न ही कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से किसी भी एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। डिटेक्ट नहीं हो पाने के कारण आज तक डार्क मैटर इनविजिबल है। साइंटिस्ट के पास कोई आइडिया नहीं है कि यह क्या है और किस फॉर्म में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसे डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता है तो फिर इसके बारे में पता कैसे चला। डार्क मैटर की उपस्थिति का पता है इसकी प्रॉपर्टीज से लगाया जा सकता है। इसकी मौजूदगी से वेरियस ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से डार्क मैटर का पता लगाया जा सकता है। अब कह सकते हैं कि डार्क मैटर इज जस्ट लाइक लव, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नंबर 8, व्हाइट होल। ब्लैक होल भी कभी मिस्ट्री हुआ करता था, लेकिन कई रिसर्च और पिछले साल इसका पहला फोटो सामने आने के बाद ब्लैक होल के मिस्ट्री सुलझ गई। हालांकि ब्लैक होल से रिलेटेड कई मिस्ट्रीज आज भी बने हुए हैं। ब्लैक होल के साथ ही साइंटिस्ट के सामने एक और होल की मिस्ट्री बनी हुई है और इस एक और मिस्टीरियस होल का नाम व्हाइट होल है। व्हाइट होल को ब्लैक होल का रिवर्स माना जाता है। ब्लैक होल से एनर्जी मैटर और लाइट एस्केप नहीं कर सकते, जबकि व्हाइट होल से एनर्जी मैटर और लाइट एस्केप तो कर सकता है, लेकिन बाहर से कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। आइंस्टीन फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन के तौर पे आइगोर नोविकोव ने 1964 में व्हाइट होल के बारे में प्रेडिक्ट किया था। कुछ साइंटिस्ट्स ने तो इसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि व्हाइट होल नाम का कोई रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा कोई भी फिजिकल प्रोसेस है ही नहीं जिससे व्हाइट होल का निर्माण हो सके। क्या आपको लगता है कि साइंटिस्ट इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप सबसे पहले किस मिस्ट्री को सॉल्व होते हुए देखना चाहेंगे। कमेंट के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।